सो वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वीव्स. तो अभी तक वी हैव डिस्कस्ड प्लेन वीव, पहली बेसिक वीव, सेकंड ट्विल वीव और थर्ड जो डिस्कस किया वो सेटिन वीव. तो ट्विल वीव क्या था? डायगोनल लाइंस थी ऐसे एस. तो ट्विल वीव कैसे होती है? ऐसे. उसका हमने डेरिवेटिव बनाए थे यों यों. अब ट्विल वीव में भी खत्म हो गया, डायगोनल लाइंस हो गई, तो व्हाट एल्स कैन बी द डिजाइन? इस ट्विल वीव के साथ में अगर हम उल्टा जोड़ दें ट्विल वीव को तो डायमंड बन जाता है. ठीक है, तो हाउ दिस इज पॉसिबल? तो यानी हमें चाहिए दो ट्विल वीव, एक सीधा और एक उल्टा. तो डायमंड इज, व्हाट इज डायमंड? डायमंड इज एक्सटेंशन ऑफ ट्विल वीव, डायगोनल लाइंस. इट, व्हाट इज इट्स यूज? इट इज यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक, डिजाइंस के लिए यूज में आती है. डिजाइंस जैसे कर्टन्स में हो गया, सोफे कवर में हो गया, फैंसी ड्रेस मटेरियल में हो गया. अब ये तीन तरह के होते हैं. पहला है ऑर्डिनरी और नॉर्मल डायमंड, और फिर है कट डायमंड और डायपर. ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कट डायमंड? इट इज डायपर. ठीक है, ऑर्डिनरी या नॉर्मल पॉइंटेड डायमंड. नाउ दिस इज ऑर्डिनरी डायमंड, ये ऐसे डिजाइन हो गया. अब ये किससे बनेगा? फर्स्ट वाली से. किससे? पॉइंटेड ट्विल से. या फिर बनेगा दूसरे वाली से. किससे? जिगजैग से. दो थी ना पहले ट्विल वीव, पॉइंटेड और जिगजैग. फिर जो है कट डायमंड बनता है थर्ड वाली से. थर्ड वाली कौन सी थी? हेरिंग बोन ट्विल. ठीक है, तो ये या तो बनता है पॉइंटेड से क्योंकि पॉइंटेड है, या जिगजैग से. दोनों ही यूज में आते हैं, हम पॉइंटेड को यूज करेंगे नॉर्मल. अब ये दो तरीके से बनेगा. पहले ये बनेगा, ड्राफ्ट बनाएंगे हम और उसके बाद में बनाएंगे पैक प्लान. सो बिफोर मेकिंग दिस आपको दोबारा से स्टडी करना है पॉइंटेड ट्विल वीव. उसमें चाहे ब्रोकन है चाहे जिगजैग है, तो पॉइंटेड और जिगजैग ट्विल आपको बनानी आनी चाहिए, वो बनानी है. तो लेट अस से कि अगर 6 है, 6 मतलब ड्राफ्ट 6 का है, तो 1 से 6 पर गया और 6 से वापस आया 5 4 3 2. तो 6 ये हो गए, 7 8 9 10 पॉइंटेड ट्विल में. तो 10/6 का ड्राफ्ट बनाते हैं. ये ड्राफ्ट बना रहे हैं हम 10 × 6 का. तो डायमंड बनेगा 10 × 10 का. अब यहां हम 10 × 10 का डिजाइन का खाका बनाएंगे. तो ये पहले बनाया हमने ड्राफ्ट, 10 warps and 6 weft. इस ड्राफ्ट के हिसाब से डिजाइन बनेगा 10 × 10 का. इधर भी पॉइंटेड ट्विल भरोगे ड्राफ्ट में और पैक प्लान में भी पॉइंटेड ट्विल. अब जब शुरू में हम ड्राफ्ट और पैक प्लान समझा रहे थे तो इसका मतलब है वहां से आपको समझ में आना चाहिए लेक्चर नंबर 6 से 10 में कि भाई डिजाइन ड्राफ्ट और पैक प्लान का क्या कॉम्बिनेशन है. दिस इज पॉइंट नंबर 1. नंबर 2 इज यू शुड नो व्हाट इज पॉइंटेड ट्विल, हाउ इट इज ड्रॉन. ये कैसे ड्रॉ होगी पॉइंटेड? अब देखिए, अगर ड्राफ्ट ऐसे है और डिजाइन में भी पॉइंटेड ट्विल बनेगी, तो या तो वो पॉइंटेड ट्विल यहां से शुरू करोगे या यहां से. अगर यहां से शुरू कर दिया तो डायमंड बनेगा, ये ऐसे का ऐसे ये पहले में आ जाएगा यूं, और ये ऑपोजिट. ठीक है, और अगर ड्राफ्ट तो ऐसे ही रहेगा, डिजाइन पैक प्लान आपने शुरू कर दिया यहां से और वापस यहां जा रहा है, या यहां से शुरू करके यानी इस साइड से, एक्स साइड से शुरू किया और ये वाई साइड से. तो ये पहले ऐसा ही बनेगा, ये बन गया, और फिर इससे ऑपोजिट बनेगा. तो ये बना क्रॉस में, बट
व्हेन वी सी, जब इसका रिपीट देखेंगे तो ये फिर से ऐसे ही बनाओ, ये डायमंड बन गया वो वाला जो इधर है। मीन्स इसको चलाते रहोगे तो सेम बनेगा। तो आपको ऐसे कन्वीनियंट है इधर से स्टार्ट करना तो यहां से कर लेना, वाई वाले पॉइंट से यहां से या यहां से, और अगर इस साइड से कन्वीनियंट है तो चाहे यहां से स्टार्ट कर लेना पैक प्लान में। सो लेट अस ड्रॉ, पहले ड्राफ्ट फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2, ये दो एक्स्ट्रा बन गए। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, पहले 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2। इसमें पैक प्लान में यूं घुमा भी सकते तुम, यहां एक्सटेंशन भर दो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। जितना आपको डिजाइन हैवी बनाना है उतना ज्यादा इसको भर दो। अब इसे ड्रॉ करते हैं। देखो बेसिकली तो क्या है, ये जितने भी 6 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे कैसे 1 2 3 4 5 6 में आएंगे। या तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लो 6 यहां तक है, या तो इसको यूं घुमाकर नोटबुक को ऐसे का ऐसे भर दो इसमें। देखो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2, या तो यहां तक ऐसे का ऐसे भर दो और फिर इसमें सर्कल भर दो, या फिर 1 1 करके इसमें से कर लो। पहले मैं ऐसे भर रहा हूं, अगले में घुमा के भर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2, और इसमें हर एक में दो दो सर्कल है और ये यहां पे एंड हो जाते हैं। 1 2 अप 1 2 2 1 2 1, और ये यहां खत्म होगा 2, ये वाला 1 2, ये वाला 1 2, ये वाला 1 2 1 2 1 2, तो ये 6 यहां तक के आपने भर दिए, टॉप तक जो जा रहे थे। अब भरना है नेक्स्ट ये वाला। ये वाला कैसे है, इस वाली हील्ड शाफ्ट में, ये वाली इसमें भी है, यानी एक छोड़ के इधर जैसे भरा हुआ है। तो यहां क्रॉस है, यहां सर्कल है, यहां क्रॉस और सर्कल है, फिर ये वाला भरना है। ये और इससे मैच करता है, ये इसके सामने होना चाहिए। तो देखो सर्कल और क्रॉस है, फिर नीचे आओगे तो दो सर्कल एक क्रॉस है, दो सर्कल एक क्रॉस है, या इधर से भर लो। अब ये वाला थर्ड में है, थर्ड वाला इधर देख लो, चाहे छोड़ दो क्रॉस सर्कल सर्कल क्रॉस, छोड़ दो सर्कल सर्कल क्रॉस, इधर से भी भर लो या इधर से छोड़कर सर्कल सर्कल क्रॉस, दो छोड़कर फिर क्रॉस और ऊपर तक, दो छोड़कर एक क्रॉस, ये कहां पे था, ये नहीं, तीन छोड़कर 1 2 3, क्योंकि एंड में आएगा ना सर्कल, तीन छोड़कर दो क्रॉस। अब ये सेकंड में, सेकंड वाला इधर से भी ले सकते हैं, दूर पड़ता है पास है, ये ले रहे हैं, लीव दो टू फिर दो सर्कल एक क्रॉस, लीव टू दो सर्कल एक क्रॉस, फिर खाली, फिर क्रॉस, फिर दो सर्कल एक खाली, ये आपका डायमंड बन गया। देखो ऐसे नजर आएगा ये अगला स्टार्ट होगा तो ये यहां क्रॉस ये आ जाएगा, ये वाला ऊपर स्टार्ट होगा तो ये क्रॉस यहां आ जाएगा। तो ये डायमंड नजर आ रहा है, ठीक है, और ये दो का एंड यहां होगा ऐसे ही। तो ये एक तरीका है बनाने का। ये तरीका कहाँ है, वाई से शुरू किया हमने पैक प्लान, अब हम यहां से शुरू करेंगे पैक प्लान, इस साइड से। ड्राफ्ट तो वैसे ही रहेगा, पैक प्लान इधर से शुरू करेंगे। 10 × 6 का ड्राफ्ट और 6 × 10 का पैक प्लान ड्रॉ करते हैं।
ये फिर से हमने दूसरे वाले में ड्राफ्ट बना लिया पैक प्लान, ये 10 × 6 है, ये 6 × 10, और ये 10 × 10 में ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसमें एक्स साइड से स्टार्ट करेंगे, 5 हो गया, इस साइड से पैक प्लान शुरू करेंगे। पहले मैं इधर से किया था, अब इधर से ये फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2। अब इधर से स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2। सपोज करें दो दो आप कर देते हैं इसमें, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये पैक प्लान बन गया, इसमें एक्सटेंशन आ गई, सेम है जैसे ड्राफ्ट बना वैसे ही पैक प्लान बना, बस इसमें एक्सटेंशन आएगी। अब इसको फिल करते हैं, तो वही मेथड है, ये स्ट्रेट है, पहला एंड देखो, पहले हीड शाफ्ट में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवे में, छठा छठे में, तो ये यों का यों आएगा। इवन देन वैसे भरते हैं, फर्स्ट के अंदर है तो ये आ गया फर्स्ट वाला, फर्स्ट में क्रॉस, 1 2 3 छोड़ के, 1 2 3 दो सर्कल, बल्कि 3 सर्कल। नेक्स्ट सेकंड हील शाफ्ट जो है वो सेकंड उसमें है, तो 2 1 सर्कल 1 क्रॉस, फिर 1 2 3 1 2 3 और सर्कल, फिर लास्ट में 1 क्रॉस है। अब थर्ड वाला एंड थर्ड हील शाफ्ट में, थर्ड हील शाफ्ट की वर्किंग है ये वाली, तो 2 सर्कल 1 क्रॉस, 2 सर्कल 1 क्रॉस, ये ध्यान रखना है इसमें। फिर 1 2 3 4 5 छोड़ के ऊपर देख लो, 1 सर्कल क्रॉस, 1 सर्कल 1 क्रॉस, 1 2 3 4 5। अब फोर्थ वाला एंड फोर्थ हील शाफ्ट में, फोर्थ हील शाफ्ट की वर्किंग ये वाली है, तो 1 ब्लैंक 2 सर्कल 1 क्रॉस, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 1 क्रॉस और 2 सर्कल। यहाँ मुझे 1 क्रॉस 2 सर्कल दिख रहे थे, यहाँ नहीं आ रहे थे, इसका मतलब मैंने गलत भरा है। फिफ्थ से 2 छोड़कर 2 सर्कल 1 क्रॉस, 2 छोड़कर 2 सर्कल 1 क्रॉस, फिर 1 छोड़कर 1 क्रॉस 2 सर्कल, 1 छोड़कर 1 क्रॉस 2 सर्कल। आपको ये वैसे भी लाइन में दिखेंगे ऐसे आते हुए, अगर ऐसे डायगोनल लाइन में नहीं दिख रहे, टूटी हुई लाइन दिख रही है, तो समझ लो गलत फिल कर रहे हो। लास्ट सिक्स्थ हील शाफ्ट में लास्ट वाले की वर्किंग, 1 2 3 1 2 3 2 सर्कल, फिर 1 क्रॉस, फिर 2 सर्कल और फिर ख़त्म। तो ये बन गए पहले 6। अब सेवन्थ है इस वाले में, इसकी और इसकी वर्किंग सेम है, तो यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने, सर्कल सर्कल क्रॉस, खाली क्रॉस सर्कल सर्कल, ये वाला इसमें है तो इससे कॉपी कर लिया, तब ये बिल्कुल सामने होने चाहिए, यहाँ से यहाँ भर दो, 1 सर्कल सर्कल क्रॉस, खाली 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 क्रॉस सर्कल सर्कल, फिर सेकंड लास्ट है ऐसे ही, यहाँ से ये वाला, 1 सर्कल 1 सर्कल 1 क्रॉस और ऊपर 1 सर्कल और 1 क्रॉस, ये वाला सेकंड के हिसाब से, या यहाँ से सेकंड ले लो, यहाँ से ले रहा हूँ, मेरे पास पड़ रहा है 1 सर्कल 1 क्रॉस, फिर 1 2 3 1 2 3 1 सर्कल, फिर आखिरी में 1 क्रॉस। ये देखोगे तो ये देखो डायगोनल लाइन और ये लाइन, ये अब आपका डिज़ाइन बन गया। डायगोनल होगी लाइन, दूसरी डायगोनल से या तो एक ऊपर होगी या एक नीचे मिलेगी आपको। फिर दो मेथड हैं बनाने के, फिर से देखो, अगर ये वाई से स्टार्ट कर दिए पैक प्लान ऐसे, तो बनेगा ऐसे जो डायमंड दिख रहा है। अगर ये एक्स से इधर से या इधर से शुरू कर दिया, तो ये बनेगा क्रॉस वाइज। अब इसमें अगर दोबारा जोड़ते हैं,
नीचे जोड़ा। ठीक है, यहां क्रॉस आ गया, तो ये दोनों मिल गए, ये ऐसे बनेगा, ये बन गया डायमंड। ये है रेगुलर या पॉइंटेड, पॉइंटेड बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम पॉइंटेड ट्विल। जिग जैग से भी बना सकते हैं, यो यो और जोड़ दो, इधर जोड़ दो, वो फिर बन जाएगा इतना बड़ा। वो बनेगा कैसा डिजाइन, ऐसे ही बनेगा। ऐसे बन जाएगा, अलग अलग डिजाइन बनेंगे, बट इट इज द इजीएस्ट वन जो हमने बनाया है। तो ये हो गया तो ऑर्डिनरी और पॉइंटेड मेथड। फर्स्ट ड्राफ्ट एंड पैक प्लान इज मेड दैट मे बी पॉइंटेड ट्विल और जिगजैग ट्विल। तो हमने कहा 10 या 16 एंड ले लो, डायमंड कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड डायरेक्टली। डायरेक्टली भी बना सकते हैं क्रॉस में, उस पर मेहनत लगेगी आपकी। डायमंड कैसे हो सकता है, जैसे डायमंड की फॉर्म में और एक क्रॉस की फॉर्म में अगले पेज पे है। एग्जाम्पल लिया हमने, 10 वाला बनाया, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2, 1 वाई से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2, तो ये बन गया डायमंड। यहाँ पर ये ब्लैक और डार्क आ जाएगा, जब नेक्स्ट रिपीट चलेगा तो ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, तो और ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, ऊपर जाएगा। तो इन 10 में ना हो गया, 11 में हो गया, 11 बाई 11। ये हो गया सेकेंड मेथड, क्या है, यहाँ से स्टार्ट कर दिया एक्स से, वाई की जगह ये स्टार्ट कर दिया इस साइड से, ये बन जाएगा क्रॉस में, एक बिल्कुल क्रॉस, एक क्रॉस से एक ऊपर या नीचे आएगा।